आप सबको पता ही है प्रोटीन हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। प्रोटीन एग्स चिकन में पाया जाता है और सोया में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको मैं स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट सोया चिली बनेगा। आपके हाथों से बना ये सोया चिली सब खाकर आपकी तारीफ करेंगे। देखेंगे अब इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे सोया चंक 200 ग्राम और इसे 15 मिनट के लिए पानी में भिगा लेते हैं। यहाँ दूंगी मैं आपको एक टिप, अगर 15 मिनट के बाद में आप चेक करें एक सोया लेकर कि वो पूरा नरम हो गया, फिर उसके बाद में उसका पानी कम्प्लीटली स्क्वीज़ कर लें, वरना ये सोया टूट जाएंगे या फिर ज़्यादा ऑयल पी लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। कुछ मसाले, नमक तो पड़ेगा ही, डालेंगे नमक 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार, चिली पाउडर 1 टीस्पून या फिर इसे भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। यहाँ पर डालेंगे कोटिंग के लिए 2 टेबलस्पून मैदा। यहाँ पर मैं छोटे चंक्स ली हूँ, आप चाहो तो बड़े भी ले सकते हैं, इससे बढ़िया दिखते हैं चंक्स। डालेंगे सोया सॉस 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर भी मिला देते हैं। बहुत क्रिस्पी बनते हैं अगर हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा की कोटिंग अच्छी करें। अच्छे से मिक्स देंगे, अगर मिक्स बराबर नहीं हो तो थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे। डालेंगे कर्ड या फिर लेमन, 10 मिनट तक मैरिनेट करके चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे, एक एक चंक डालेंगे, डालते ही देखिए कितने बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन तक, देखिए बिल्कुल बबल्स भी कम हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से स्पंजी। आप इस पर चाट मसाला डाल के ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वेजिस की तरफ। यहाँ पर मैं ली हूँ टमाटोस और कैप्सिकम, दोनों भी दो दो अदद है, और ये प्याज है, इसे मैंने स्लाइस कर ली हूँ, और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस है और जिंजर एंड गार्लिक चॉप किए हुए। यहाँ पर हम ले लेंगे सॉसेस भी, सोया सॉस 1 टीस्पून, वेनेगर 1 टीस्पून, रेड चिली चिली सॉस 1 टेबलस्पून और टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून। चलिए फिर से जाते हैं किचन में। यहाँ पर अब हम लेंगे तेल 2 टेबलस्पून, अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर ज्वेलेंस भी डाल देंगे। यहाँ पर मैं दूंगी एक और टिप, आप इसे गोल्डन ब्राउन तक तल लीजिए वरना फिर रॉ स्मेल आएंगी। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी ट्रांसलेंट हुए जब तक पकाएंगे, तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे इसे। अब इसमें भी फिर हम मिलाएंगे कैप्सिकम, दो दो अदद है मीडियम साइज़ के, फिर टोमेटोस ये भी दो अदद है मीडियम साइज़ के। यहाँ पर मैं आपको दूंगी एक और टिप कि हमें ये वेजिटेबल्स को क्रंची ही रखना है वरना फिर ये सालन की तरह बन जाएंगे, ग्रेवी हो जाएगा। ऐड करेंगे सॉल्ट और फिर रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैं कलर का यूज़ नहीं करी हूँ, आप चाहो तो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून यानी कि काली मिर्ची का पाउडर, अच्छे से स्टर करेंगे। देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं हमारे वेजेस। अब हम ऐड करेंगे पूरे सॉसेस, केचप, रेड चिली सॉस, वेनेगर और सोया सॉस, इसे भी अच्छे से हम स्टर कर लेंगे। अब एक और टिप मैं आपको दूंगी, ये है कॉर्नफ्लोर जिसे हम पानी में भिगा लिए हैं, बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें मिला लेंगे, मिला लेकर इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे वरना फिर आटा आटा रह जाएगा, आटे की मज़ा आना शुरू हो जाएगा अपने ये करी में। डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़िया बनने वाली है ये हमारी रेसिपी। ऐड करेंगे धीरे धीरे से सोया चंक्स, देखिए अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहो तो टॉस भी कर सकते हैं। अब डिश आउट करेंगे, ये देखिए कितने जूसी सिल्की
मज़ेदार डिलीशियस तैयार हुई है हमारी रेसिपी और बहुत सिंपल है। आखिर में गार्निश करेंगे स्प्रिंग ऑनियन से और थोड़ा सा धनिया पत्ता से। मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस आपको समय पहले दिखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।